1000 खर्च करके भी ना आपको ऐसा व्यू नहीं मिलेगा। इतना जबरदस्त व्यू है, मतलब साउथ इंडिया में मैंने अब तक इससे प्यारा व्यू अभी तक नहीं देखा। हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज की दिन की शुरुआत कुछ इस कदर हुई है UFC के साथ, तो मैं अभी आपको वीडियो दिखा नहीं सकता ताकि क्या पता वीडियो में कुछ कोई कॉपीराइट इशू वगैरह ना आ जाए। तो बस आज सुबह उठ गया था मैं 7 बजे, तो क्योंकि आज फाइट आनी है चक्कर में अलग, अभी बस नहा के निकला है, तो वो भी मेरे को थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेगा क्योंकि इसके बाद जो फाइट है मेन इवेंट, जो मतलब लास्ट फाइट वही मेन है। ये दो फाइट आखिरी की मेन होती हैं, 2-3, तो अभी एक चल रही है, इसके बाद जो मेन है वो मेरी, उसके लिए बैठा हूँ मैं सुबह से आज। तो बस दिखाता हूँ मैं बाकी आपको कौन क्या कर रहा है। मम्मी आज इडली बना रही है क्योंकि आज संडे है, इडली बन रहे हैं, बढ़िया नाश्ता। तो गाइस, बस अभी मेन से आने वाली है, पर अलग भाई हो गया पूरी फैन करवा। तो आज इडली बन चुकी है, इडली होममेड इडली हम घर में बनाई है। ये पकौड़े बाजू ने दे दिए थे, चटनी सांभर सब घर पे बनाए। अलग भाई तो बस लगा हुआ है काम, अलग भाई का मेन इवेंट शुरू हो गया। तो भाई साहब खतरनाक मैच चल रहा है, धड़कन रुकी हुई है। मेन इवेंट खत्म हो गया और जिसको हम सपोर्ट कर रहे थे जीत गया है। आडे सान्या इसका सेकंड मतलब रीमैच था इनका, फिर से वो जीत गया, मजा आया। तो गाइज, अभी मैं जरा यहाँ पे आया था गांव में थोड़ा सामान वगैरह लेने। आज संडे पूरा लॉकडाउन है, एक दुकान भी नहीं खुली है, तो ऐसे छुप छुप के सामान लेना पड़ रहा है। बस थोड़ा सा और सामान रह गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सब सामान है, दाल वगैरह, दुकानें सब बंद है, हम छुपके से ले रहे थे हम सिस्टम। 6.5 hours later तो गाइज दोपहर के 3:30 बज चुके हैं, तो हमने लंच वगैरह कर लिया, हम फ्री हो गए थे क्योंकि आज हम सुबह से जब UFC के बाद काफ़ी बिजी हो गए थे, तो होटल का सामान वगैरह भी लाना था, तो सामान वगैरह ला के अभी हम लंच करके फ्री हो गए। तो मौसम इतना ज़बरदस्त हो गया ना गाइज, तो हमारा प्लान बन रहा है हम बाइक में जा रहे हैं राइड करने। तो यस, तो हम मिलते हैं आपको आगे। आज बाइक राइड होगी बहुत अच्छी, और एक नई बाइक आई है बुलेट, तो हम उस पे जाएंगे, स्कूटी में नहीं जाएंगे। स्कूटी में नहीं जाएंगे, हम नई बाइक लिया, हमने स्प्लेंडर भेज दी, बुलेट ले ली, बुलेट ले लिया, हम उस पे जा रहे हैं एक्सप्लोर करने क्योंकि मौसम बहुत जबरदस्त हो गया, मौसम के नजारे लेंगे। गाइस, तो लास्ट वीडियो इतनी हिट हो गई है कि YouTube मनी इतनी ज्यादा आ गई है कि हमने YouTube मनी से बुलेट ले ली है, भाड़े में 2 घंटे के लिए लिया है इस बुलेट YouTube मनी से, भाई की बुलेट है। तो हम जा रहे हैं अभी राइड पे, तो दिखाते हैं गाइस आगे, बड़ा जबरदस्त मौसम हो रहा है। तो हम जाने के लिए कर रहे हैं, पर संभावना कुछ ऐसी लग रही है कि बारिश हो सकती है मौसम देख के, क्योंकि धूप पूरी खत्म हो गई है, अब रास्ते में पता लगेगा। हम पहुंच चुके हैं जहां पे हम मारते हैं, देख लो एक बार गाइस, फैन दी आंख हो गई, जबरदस्त सीन है यार, जबरदस्त जन्नत है, जन्नत मतलब अपना, हमको साउथ इंडिया से प्यार हो रहा है, मतलब हम इतने टाइम से यहां रह रहे हैं पर मैं कभी यहां पे आया नहीं घूमने, ये मेरे वहां से 30 किलोमीटर दूरी है। तो हम आज मतलब मौसम इतना अच्छा हो रहा था, और मैंने जैसे आपको बताया था हम बाइक राइडिंग में जा रहे थे, तो आज हमारा लंबू भाई हमें यहाँ पे लेके आया, इतनी प्यारी जगह है ना गाइस। अभी वो जो डैम है ना वहाँ पे, अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, वहां से आपको व्यू दिखाएंगे कैसा था भाई, जबरदस्त सीन आ रहा है। ये फूल देखो कितने प्यारे लगे। तो गाइस, ये यहाँ से एंट्री है, हमारी स्कूटी गाड़ी वगैरह बाइक वहां पार्क कर दी हमने। जबरदस्त व्यू आ रहा है यार, मतलब दिल खुश हो गया देख के, ऐसा लग रहा है कि मैंने इस जगह से बहुत बार पिक्चर, बहुत सारी पिक्चरों में देखा। हाँ, मैंने भी बहुत सारी पिक्चर देखी। अभी मैं आपको यहाँ की बड़ी जबरदस्त चीज दिखाता हूँ, जैसे कि हम आपको हर जगह जाके कुछ ना कुछ जबरदस्त चीज दिखाते हैं ना, मैं आपको यहाँ की जबरदस्त चीज दिखाता हूँ, वो है ये मेरा जिंदगी का पहला ऐसा डैम है, ये पहली ऐसी रोड है जिसपे पटरी है, ये आप देख लो, ये रोड में पटरी है, ये क्या ला?
ऐसे पटरी कैसे हो सकती है? ये ट्राम चलते हैं यहाँ पे। ट्राम वो क्या होता है? वो जो कलकत्ते में नहीं चलती है, वो ट्रेन चलती है छोटी सी। अबे वो तो रोड में चलती है, स्विट्जरलैंड में चलती है। हाँ, तो यार तो डैम है ये, वही वाली पटरी है जैसे यहाँ पे पहले लोग घूमने के लिए आते थे ना। हाँ, वो भी इतने 2-4 किलोमीटर का डैम है, आप कहाँ घूमते पहले? ऐसा बना रखी है इन्होंने पटरी। पहले डैम तो बना है, पहले का घूमने आते थे। 50-60 साल पुराना डैम है ये। तो ये 50-60 साल पुराना डैम है, तो उस टाइम पे यहाँ पे ट्रेन चलती थी क्या? मैंने पिक्चर शूटिंग करने का कहना है बा का कि यहाँ पे पिक्चर शूटिंग होती थी, जो आपने देखा होगा टीवी में कैमरे वाले वो पटरी में भगाते हैं कैमरा, वो कैमरा वो वहाँ से शुरू होता है और हीरो वहाँ कोने में अलग तक। थोड़ा डेमो करते हैं, तू वहाँ पुल के पास खड़ो, वहाँ से कैमरा ले आता हूँ पटरी में बैठ के, छू 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 कर लेते हैं जैसे तू बोलेगा। भाई मैं तो वैसे मैं हीरो तो हूं, जाके डांस कर क्योंकि मैं हीरो तो हूं, मैं डायरेक्टर का कैमरा ले आता हूं। अरे भाई वो है ये भाई ना, वो है मेकअप मैन है भाई हमारा, पर फिर भी यार मुझे पटरी का हिसाब समझ नहीं आया। Few moments later, ना ये जो ट्रैक है, ट्रैक क्यों क्यों वाई वाई जी ट्रैक वाई क्यों ट्रेन ट्रेन चलता ट्रेन मन के अंदर ये ट्रैक है वाई वाई वाई, मुझे कंफ्यूजन होता बहुत ये ट्रैक क्यों बंडे बंडे बंडी। अरे यार इधर माय मी फ्रेंड कहता इधर शूटिंग होता, शूटिंग आ ओ तेरे की लॉन्ग सही था फिर तो यार हेलो। हां तो शूटिंग होती थी, ये पागल हो गया थोड़ा सा। शूटिंग शूटिंग क्या भाई, शूटिंग करेंगे क्या यहां पे? पता है हाथ धोके पागल की बातें कर रहा है। हां हकीकत में आता हूं, आपको बता देता हूं। सीन देख लो, ये मतलब यहाँ पे आराम से गाड़ी मूवी शूट हो सकती है। अगर यहाँ पे अगर हम पे आज ड्रोन होता ना, क्या जबरदस्त व्यू आता। मतलब 10,000 खर्च करके भी ना आपको ऐसा व्यू नहीं मिलेगा, इतना जबरदस्त व्यू है। मतलब साउथ इंडिया में हमने अभी तक इतने प्यारा व्यू कभी नहीं देखा। मतलब यहाँ पे बहुत सी चीजें हैं देखने लायक, मतलब नेचर से लेके, बट ये व्यू मैं आज पहली बार आया हूँ देखने। ज्यादा दूर भी नहीं हमारे घर से, 30 किलोमीटर सारा है। और आज हमारा प्लान बना है कि बाइक में थोड़ा मतलब मौसम अच्छा हो रहा था, राइड करने आए तो लंबू भाई यहाँ लेके आया। इतना बेहतरीन व्यू है ना, मतलब मैं 10,000 देके भी ना आपको ऐसा व्यू नहीं मिलेगा नहीं। तो गाइज ये था इस जगह का कुछ व्यू। तो होप आपको ये जगह अच्छी लगी होगी, हमें तो देखो गाइज बहुत अच्छी लगी है। तो मैं अलग से पूछता हूँ, अलग कैसी लगी जगह? भाई 100 में से ना 110 नंबर है बस। जैसे जैसे बाहुबली की भाई ने 10 में से 20 दे दिए, लंबू भाई कितने देगा? 10 से 20। तो भाई भी 10 से 20, भाई तो बस बीड़ी भूख रहा है, मजे ले रहा है। वहाँ फत्तर थे, पानी पानी है, पानी। मम इतनी दूर से आए, थोड़े थक भी गए थे, हमारी शक्लें भी थोड़ी अच्छी नहीं रही है, और अब यहाँ के काफी भूख भी लग रही है, काफी भूख भी लग रही है। तो जैसा भी व्लॉग बना है तो गाइस इसको एक्सेप्ट कर लेना, अगली बार से थोड़ा और अच्छा लाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे आया, मेरी फोन की बैटरी भी अब डाउन हो गई है, तो अब बस अब हम आपको डायरेक्ट घर जाके मिलेंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे घर जाके। तो गाइस जंगलों से निकल के दोबारा हाईवे पे आ चुके हैं हम, और मौसम आज बहुत बढ़िया रहा है, व्यू भी बहुत जबरदस्त मिला हमें। और बस हम 10 मिनट में घर पहुंचने वाले हैं, और उसके बाद कुछ मामी ने कुछ बनाया हुआ, बहुत अच्छी चीज बनाई है, जो हमने बोला है अगर वो बना हुआ तो दिखाएंगे आपको। बस 10 मिनट में घर पहुंचने हैं, फिर हम आपको दिखा देंगे। चलो गाइस अब हम घर पहुंच चुके हैं, और हमने मतलब वहीं से बोल दिया था कि कुछ अच्छा सा बना देना, तो मेरी मम्मी ने ये बनाया है, मोमोज बनाए हमारे लिए, बहुत स्वाद चाइनीज। क्योंकि यहाँ पे मिलते तो है नहीं कहीं पे, चाउमीन चाइनीज आइटम कुछ भी नहीं मिलती, तो हमको अपने आप ही बनानी पड़ती है घर पे। तो जब भी हमारा मन करता है तो मैं मम्मी को बोल देता हूँ बना दे, तो मम्मी बना देती है हमारे लिए मोमोज, तो भी बाकी के बन रहे हैं। तो इसी के साथ आज का करते हैं व्लॉग एंड। तो होप आपको आज का व्लॉग भी और आज का व्यू भी अच्छा लगा होगा,
तो गाइस अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, जरूर करा करो गाइस लाइक एंड शेयर, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करो प्लीज़। जो भी चैनल पे नए हो और जो भी जिस पे ब्लॉग जो भी देख रहा है प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर करा करो। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तो बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना।